नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्म हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट निमेसुलाइड के बारे में। दोस्तों आपने कभी ना कभी ये टैबलेट जरूर खाई होगी और ज़्यादातर क्योंकि प्रिस्क्राइब भी की जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसके ब्रांड्स के बारे में देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, डोज, इसके साइड इफेक्ट और स्पेशल प्रिकॉशंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर निमेसुलाइड क्या है और ये दवा कैसे प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों निमेसुलाइड एक प्रकार की NSAID होती है, कह सकते हैं कि एनाल जैसे एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है जो कि खास करके बुखार और दर्द में यूज की जाती है। बाकी अगर दूसरे NSAID की अपेक्षा देखें तो इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है और ये अपना एक्शन रैपिडली शो करती है। दोस्तों अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो इसमें कई ब्रांड्स आते हैं, आपके एरिया में अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं। जैसे ये आती है नजेसिक के नाम से, माइस के नाम से, एंड मेलाइड MD के नाम से, ब्लीसुलाइट के नाम से, निमोपैरा के नाम से, एंड इस तरह से बहुत सारी जो है ब्रांड्स हैं जो कि निमेसुलाइड की होती हैं। तो आपके अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड्स हो सकती हैं, तो आप अपने शॉप से देख सकते हैं, जो भी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ कौन सी ब्रांड ज़्यादा चलती है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है, मैंने जिस तरह से बताया कि ये पेन और फीवर में ज़्यादातर यूज की जाती है अगर पैरासीटामॉल काम नहीं करती है उस टाइम पे। तो ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है वो थोड़ा ज़्यादा दर्द में यूज किया जाता है, जैसे आपको अगर रिमेटाइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियो अर्थराइटिस है, या फिर आपके जॉइंट से संबंधित कोई भी पेन है, वो गाउट का भी हो सकता है। कहने का मतलब जितनी भी डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स होती हैं आपके जॉइंट्स की, वो गाउट हो सकती हैं या फिर रिमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है, उसके पेन में इसका यूज किया जाता है। बॉडी के जितने भी मस्कुलोस्केलेटन पेन होते हैं, कहने का मतलब मांसपेशी और हड्डियों से संबंधित जितने भी पेन होते हैं, वहाँ पर हम लोग निमेसुलाइड का यूज करते हैं। अब ये पेन आपके कमर का भी हो सकता है, तो हम लोग कमर के पेन में भी, कमर के दर्द में भी निमेसुलाइड का यूज ज़्यादातर करते हैं। दोस्तों डिसमेनोरिया में भी हम इसका यूज करते हैं, यानी कि जो माहवारी होती है उसका जो पेन होता है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं निमेसुलाइड का। बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में जहाँ पर पेन होता है वहाँ पर हम लोग निमेसुलाइड का यूज करते हैं। अगर आपको डेंटल पेन हो रहा है, दांत का दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। ENT इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं, और बच्चों के अंदर जो फीवर होता है और दर्द होता है वहाँ पर भी निमेसुलाइड यूज किया जाता है। पर यहाँ पर एक कॉशंस बताई जाती हैं कि आप 10 से 12 साल से कम के बच्चों के लिए निमेसुलाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो आपका डॉक्टर कर सकता है, आप खुद कभी ना यूज करें। अब दोस्तों अगर इसके हम डोजेस की बात करें तो यहाँ पे डोज देखा जाए तो एडल्ट के अंदर जो डोज होती है वो 100 mg की होती है एंड दिन में 2 बार होती है। कहने का मतलब आप BD देते हैं 100 mg की टेबलेट, लेकिन ये तभी दी जाती है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि निमेसुलाइड जो है बहुत ज़्यादा घातक होती है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं खतरनाक होते हैं लीवर के लिए बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से डॉक्टर की सलाह से ही निमेसुलाइड लें, खुद निमेसुलाइड ना लें। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो डोज होती है वो एक्चुअली मैंने बताया कि 10 से 12 साल के से कम के बच्चों को आपको निमेसुलाइड नहीं देना है, लेकिन हाँ इससे बड़े बच्चों को आप दे सकते हैं। तो जो डोज का कैलकुलेशन करना है वो उनके वेट के अनुसार करना है, तो 5 mg/kg, मतलब जितने किलो का बच्चा है उतनी 5 mg आप उसको गुणा कर लीजिए और उस बच्चे को दे सकते हैं। दिन में दो से तीन बार डॉक्टर देता है बच्चों को मेडिसिन, ये और इन डिवाइडेड डोजेज में। कहने का मतलब आप मैं यही बताऊंगा आपसे कि जो चाइल्ड डोज है आप उसको बच्चों को खुद मत दें, डॉक्टर की सलाह से ही दें। अगर वो जो भी डोज कहते हैं उस हिसाब से बच्चों को दो, ठीक है। दोस्तों अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब इसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, उकाई आ सकती है, दस्त लग सकती है, मतलब डायरिया हो सकता है, स्किन पैरेसिस पड़ सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साथ में हार्ट बर्न की शिकायत भी होती है, हृदयदाह की शिकायत होती है जिसमें आपके सीने में जलन होती है, और कुछ एपिगैस्ट्रिक पेन भी होते हैं, मतलब आपको आपके जो पेट है उसके ऊपर की साइड में आपको दर्द की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि निमेसुलाइड जो है वो लीवर के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, और इसकी 60 टाइम डोज भी आपके लीवर को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से ये कई कंट्रीज़ में बैन भी है, जैसे US में बैन है और बाकी की यूरोपियन कंट्री में भी इसको बैन किया गया है। भारत के अंदर में भी इसका सस्पेंशन बैन किया गया है, लेकिन टैबलेट इसकी दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप अपने हिसाब से खुद ही यूज़ ना कर लें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में।
प्रिकॉशंस, मतलब आपको क्या सावधानियां बरतनी है और ये मेडिसिन कब नहीं लेनी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तब आप इस मेडिसिन को ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आपको कोई रीनल इम्पेयरमेंट है, किडनी से संबंधित, वृक्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तब भी ये मेडिसिन ना लें। आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या आप कोई भी प्रॉब्लम अगर हार्ट से संबंधित, तो अपने मन से दवा ना लें, आप डॉक्टर्स की सलाह से ही दवा लें। अगर आपको सिरोसिस है लीवर में या हार्ट में, तब भी आप इस मेडिसिन को खुद ना लें, आप अपने डॉक्टर से इसको बताएं और वहाँ पर दवा लें। दोस्तों, बच्चों में अगर देखा जाए तो इसकी डोज मैंने जिस तरह से बताया कि इसको हम लोग रिड्यूस करके देते हैं, कम करके देते हैं, और प्रेगनेंसी में निमोसलाइड का यूज़ नहीं किया जाता है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग है मदर तो बिना डॉक्टर की सलाह की मेडिसिन ना लें। तो ये सारे थे प्रिकॉशंस कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कब मेडिसिन लेनी है, कब मेडिसिन नहीं लेनी है। तो ये थी निमोसलाइड के बारे में कुछ बहुत सारी जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ मेडिसिन से संबंधित हम शॉर्ट वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें आपको कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ पता चलती हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।